गुड मॉर्निंग क्लास फोर। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए, पाठ 15 शब्द सागर खोल लीजिए। तो पाठ 15 शब्द सागर में हमने इसके पहले वीडियोज़ में आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाया था, इसके बाद विलोम शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़े थे अनेकार्थक शब्द और आज हम पढ़ेंगे समश्रुति भिन्नात्मक भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड डिस्टिंग्विश्ड, तो ये हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश्ड। तो पहले समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं उसे पढ़ते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ भिन्न हो। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ भिन्न हो उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक कहते हैं। जैसे जो एक जैसा ना हो, आसमान आकाश एक जैसा शब्द है नहीं लेकिन अर्थ एक ही दे रहा है, आसमान आकाश। समान एक जैसा, सामान वस्तुएं या समान है एक जैसा, सामान वस्तुएं। बाहर भीतर का विलोम, बाहर रौनक। ग्रह एक नक्षत्र, गृह घर। हंस एक पक्षी, हर्ष हंसना क्रिया। जरा बुढ़ापा, जरा तनिक या थोड़ा। पता किसी के रहने का स्थान, ये पता है किसी का रहने का स्थान, यह पता है, ये पत्ता है, क्या है पत्ता, किसी पेड़ का पत्ता। दिन दिवस दिन, गरीब एक दिन है मिस दिवस, एक दिन मिस गरीब। निश्चित पक्का निश्चिंत, चिंता या रहित चिंता रहित। नीर पानी निड घोंसला। चालक गाड़ी चलाने वाला चालाक चतुर। बेल लता बैल एक पशु। पक्का पका पका हुआ पक्का मजबूत। तो ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द थे जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस तरह से आप इसे पढ़िएगा, इसको लर्न कीजिएगा। अब नीचे आइए इसके अभ्यास प्रश्न पे। उचित शब्द पर गोला लगाइए। तालाब में अनेक हंस, हंस होगा या हंस रहते हैं तो हंस रहते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। माँ बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाई। बाहर लोगों की भीड़ एकत्र थी। चालक ने एक गाड़ी रोक दी। तो ये हमारा अभ्यास पहला था, उचित शब्द पे गोला लगाइए। अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। रेखा खींचकर उचित मिलान कीजिए। दिन गरीब, दिन दिवस, निश्चित चिंता रहित, निश्चित पक्का, जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा। नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बैल तुम्हारे पास कितने बैल हैं। बेल तुम्हें बेल कैसा लगता है। तुम्हें बेल कैसा लगता है। पता तुम्हारे घर का पता क्या है। पता पता पता। तुम मुझे अपने पेड़ का पत्ता लाकर दे सकते हो। पका तुम भोजन पका हुआ करते हो, करते हैं। पका तुम्हारा घर पक्का का है। निश्चित निश्चित तुम परीक्षा में निश्चित ही पास हो जाओगे। निश्चिंत तुम काम की निश्चिंत ना करो, हो जाएगा।
तो ये हमारा वाक्य था जो मैंने बनाया। अब नीचे आइए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। चिड़िया ने अपना नेट बनाया, अध्यापिका ने हमें गृह कार्य दिया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न है जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब अपनी कॉपी निकालिए, उसे खोल लीजिए। कॉपी खोल कर ऊपर प्रश्न उत्तर हेडिंग डालेंगे। प्रश्न उत्तर से लिखेंगे। पहला प्रश्न, संस्कृति विनार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ भिन्न हो उन्हें संस्कृति विनार्थक कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर था जो मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया है। इस तरह से आप अपने कॉपी में लिखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।